As we all are aware that October is Cancer Awareness Month, but I would like to keep cancer awareness as a prime topic, and in which I'll cover breast cancer, especially I see that majority of participants are females, and it is very well known. Once a female is taught, the whole family is taught, and especially if a teacher female is taught, whole mahalla or of course whole city is taught. So let me put this way. And let me start from the cancer itself, what cancer exactly is, and instead of getting scared, we should be aware. Let me put in simple terms what cancer is. We can have an interactive session also. I would like to mix Punjabi, Hindi, English so as to keep it very simple and it is understood by all. So what cancer is basically? Cancer is a group of disease that thrives by uncontrolled growth and spread of abnormal cells. So, आप लोगों को लगता होगा कैंसर कोई नई बीमारी है, बट इजिप्ट की जो मम्मीज को भी निकाला गया था उनमें भी हड्डियों के कैंसर के प्रमाण थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर इज नॉट ए न्यू डिजीज, इट्स अ ओल्ड डिजीज, इट्स अ डिजीज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन. And but with the passage of time, since our logistics, our infrastructure, our healthcare systems have developed, henceforth, infectious diseases and other diseases which used to take a lot of toll has gone to backyard, and now the forefront is your lifestyle disease like heart attack, diabetes, hypertension, and cancer is one of them. So, cancer कैसे बनता है? बायोलॉजी के टीचर्स तो यहाँ होंगे, तो इनफैक्ट 10th 12th हम सबने पढ़ी है. सो एक नॉर्मल सेल जब भी रेप्लिकेट करता है, मिटोसिस एक प्रोसेस होता है, सो डीएनए आल्सो रेप्लिकेट्स, बट एवरी टाइम डीएनए डजंट रेप्लिकेट इन अ ऑर्डरली फैशन. सो व्हेनेवर डीएनए गेट्स म्यूटेटेड और इट गेट्स डिफेक्टिव, इट इज नोन एज म्यूटेशन, एंड देयर आर मल्टीपल म्यूटेशंस व्हिच हैपन इन अ सेल. और एक कुछ ऐसी म्यूटेशंस हो जाए जो इरिवर्सिबल होके देन बिकम्स ए कैंसर. सो ये एक सेल जिसमें मल्टीपल म्यूटेशंस हो जाए, कैंसर अपने सेल अपने कंट्रोल में ना रहे, तो उनको हम कैंसर सेल कहते हैं. अब कैंसर सेल होता क्या है बेसिकली? एक सेल जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, सो आप देख सकते हैं एक सेल जो कैंसर सेल बन चुका है, ये तेजी से डिवाइड करता है. तो एक जब तेजी से सेल डिवाइड करता है तो एक लंप बन जाता है, और जब लंप बनता है तो ये अपनी ब्लड सप्लाई भी लेकर आता है. फॉर एग्जांपल हम नया घर बनाते हैं जैसे, सो जब भी हम नया घर बनाते हैं उसमें हमें उस घर में बिजली भी अलग चाहिए, हमें पानी भी अलग चाहिए, सिमिलरली इनको जीने के लिए ब्लड चाहिए. सो हर कैंसर सेल अपनी एक इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई लेकर जाता है. तो जब एक गड्ढा बनता है तो इसकी अपनी इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई होती है. सेल्स होते हैं जो एबनॉर्मल है, जो जिस काम के लिए बने थे वो काम नहीं करते और प्रोलिफरेट बहुत तेजी से करते हैं. सो कोई भी कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल हो, लंग हो, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा वो यही रहेगा, रोल मॉडल यही रहेगा उनका. अब कैंसर का बर्डन क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो. ऑलमोस्ट 12 मिलियन न्यू केसेस, आउट ऑफ विच 5.4 मिलियन इन इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज and 6.7 million in developing countries, and correspondingly about 7.6 million cancer deaths last year. And it is estimated that by 2050, almost 24 million new cases will be there, and correspondingly more than 60 million deaths will be there. So it's a huge disease burden, and it's a mammoth problem which needs to be taken care of. अब अगर वर्ल्ड में देखें तो लीडिंग जो कैंसर हैं मेन में वो लंग और प्रोस्टेट हैं, और फीमेल में ब्रेस्ट और सर्विक्स. तो डिफरेंस है, तो मेल में जो सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है यूएसए में वो है प्रोस्टेट, लंग सेकंड है, और कोलोरेक्टम थर्ड है. सिमिलरली फीमेल्स में जो लार्जेस्ट जो कैंसर वो है वो ब्रेस्ट का है, लंग कैंसर नंबर टू एंड कोलन कैंसर नंबर थ्री. अब आप इसमें ध्यान से देखिए कि आपको पहले 10 में भी कहीं पे सर्वाइकल कैंसर नहीं नजर आ रहा यूएसए में, लेकिन वर्ल्ड में अगर देखते हैं तो ये नंबर टू है, बिकॉज़ करस्पॉन्डिंग डेथ्स भी जो है कॉमनेस्ट किलर जो है अक्रॉस द सेक्स है वो है
लंग कैंसर। अब इंडिया में आते हैं, WHO कहता है 1 in 10 इंडियंस विल डेवलप कैंसर ड्यूरिंग लाइफ टाइम, और इसे हम कहते हैं लाइफ टाइम रिस्क। तो ये मान के चलिए कि हम अगर 10 लोगों को अगर एक कतार में खड़ा करें तो ये एक्सपेक्टेड है कि उन 10 में से किसी एक को कैंसर जरूर होगा उसके लाइफ टाइम। सो इंडिया में अगर देखें तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन 10 लाख नए केसेस हैं और अबाउट 2.5 मिलियन केसेस आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एनी टाइम ऑफ टाइम, और करस्पॉन्डिंगली 5,50,000 डेथ्स आर इन ईयर। सो कैंसर ओरल कैविटी लंग इन मेल्स, सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल्स अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ ऑल कैंसर डेथ्स इन इंडिया। अब इंडिया में अगर देखूं तो कॉमनेस्ट जो कैंसर है मुंह का कैंसर है मेल्स में, और लंग कैंसर है फीमेल्स में, सॉरी मेल में, और फीमेल में जो कॉमनेस्ट कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर है और सर्वाइकल कैंसर है। देयर इज अ डिवाइड ओवर दैट। ओवरऑल अब जो जो कॉमनेस्ट कैंसर वो ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन साउथ इंडिया में जो कॉमनेस्ट फीमेल कैंसर है वो सर्वाइकल कैंसर है। तो वही हम बात कर रहे थे, ये लाइफ टाइम रिस्क का मतलब क्या है। सो इट रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल ओवर द कोर्स ऑफ अ लाइफ टाइम विल डेवलप कैंसर और डाई फ्रॉम इट। USA में जो प्रोबेबिलिटी है 1 in 13 है, बट इंडिया में ये प्रोबेबिलिटी 1 in 12 मेन में है और 1 in 13 फीमेल्स में है। मिलियन डॉलर क्वेश्चन कि होता कैसे है, हर हर इंसान के जहन में यही सवाल है कि होगा कैसे। सो हमें ये तो नहीं पता कि कैंसर का एग्जैक्ट कारण क्या है, बट हम कुछ रिस्क फैक्टर्स को एट्रीब्यूट कर सकते हैं जिनके होने से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लंग कैंसर हो गया लेकिन उन्होंने जिंदगी में कभी स्मोक ही नहीं किया, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जिंदगी भर स्मोक किया उनको कैंसर ही ना हुआ। सो इट इज बेसिकली इंटरप्ले ऑफ योर जीन्स, योर लाइफस्टाइल एंड योर डाइट। So there are some risk factors which increase the probability of cancer, that is tobacco use, alcohol intake, increased use of chilies, smoked high temperature food like tikkas and this charms and all that which is smoked. There is a reduced reduction if you take good amount of vegetables and fresh fruits. Coming to very important tobacco use, WHO has estimated that about 90% of oral cancer in Southeast Asia and India also are directly attributable to the use of tobacco. और ऑलमोस्ट माना जाता है कि जो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग में 30-34% जो है वो इंडिया में प्रोडक्शन होती है उसकी। अगला है कि स्मोक लोग करते कौन से हैं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड। ये मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स की स्लाइड है, इसमें आप देखिए जो मेल मेडिकल स्टूडेंट्स थे ऑलमोस्ट उनके जो प्रेवलेंस था 43% थी, विजाविस नेशनल लेवल जो नेशनल वो था रेंज थी 30% इन मेल्स एंड अबाउट 2.5% फीमेल्स। So education has nothing to do with the smoking prevalence. Peer pressure, आपका lifestyle, आपका work pressure, ये सब चीजें attribute करती हैं कि आप smoke करेंगे या नहीं करेंगे। So what can be done to cut down the risk of cancer? Promote healthy lifestyle, as Aparna ji has rightly told. Most important is second is to promote cancer screening, and third, if detected, get it detected in early stage and get a treatment so that the patient is cured. So, aap, main aur McDowell, let it be reframed like aap, McDowell aur cancer. So, components of balanced diet, ki balanced diet kya hoti hai? Hum jo India mein typical khana khate hain, wo well balanced diet hai. Lekin jo junk food humne start kar rakha hai aajkal, that is very imbalanced. That contains excess of proteins, that contains excess of fat, and that too saturated one, and that too smoked on high temperature. So, उनमें से कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कैंसर एट्रिब्यूटेबल हैं। सिमिलरली जो हम प्रिजर्व फूड खाते हैं उनमें हम नाइट्रोसामिन्स यूज करते हैं तो वो भी कैंसर कॉजिंग क्या है। प्रमोट रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ रेगुलर मॉडरेट इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, दैट नॉट ओनली रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैंसर बट ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड डायबिटीज। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैंसर स्क्रीनिंग का मतलब क्या है। Screening can be defined as systematic testing of individuals who are asymptomatic with respect to some target disease. So, बीमारी होती कैसे है, हम डॉक्टर की नजर से कैसे देखें और आप ऐसे पब्लिक कैसे समझें। कोई भी हम बीमारी हुई अगर हम टेस्ट करें तो डिटेक्टेबल है, लेकिन अगर हम डिटेक्ट ना कर पाए या पेशेंट या सफर जो है अफेक्टेड जो इंडिविजुअल है वो डॉक्टर के पास ना जाए तो बीमारी अपने आप को खुद मैनिफेस्ट करेगी इन फॉर्म ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। और अगर फिर भी ट्रीट ना हो
उसको क्लिनिक्स में देखने को मिलती है। बीमारी के सिम्टम्स के साथ पेशेंट हमारे पास आया, हमने इन्वेस्टिगेट किया, उसे ट्रीट किया, पेशेंट अगर ठीक हो गया तो क्योर हो जाएगा, अगर ठीक ना हो सके तो उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन ये जो है प्री क्लिनिकल है, ये वो टाइम है जब बीमारी बॉडी में है लेकिन वो अभी तक सिम्टम्स नहीं प्रेजेंट कर पाई, और ये जो टाइम पीरियड है इसे हम स्क्रीनिंग टाइम कहते हैं। कि अगर हम चाहें तो टेस्ट करके इसे डिटेक्ट करें इससे पहले कि वो बीमारी अपने आप खुद मैनिफेस्ट करे। सो दिस इज अ टाइम पीरियड व्हिच इज नोन एज टाइम यील्ड और सो रिकमेंडेशंस जो है 5 कैंसर की हैं। बाकी आपने ये भी देखा होगा कि बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं कॉर्पोरेट्स पैम्फलेट्स बांटते हैं, स्क्रीन करा लीजिए, टेस्ट स्क्रीन हो जाएंगे, फिटनेस सर्टिफिकेट वो देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 5 कैंसर जो हैं स्क्रीनेबल हैं, बाकी और कोई कैंसर स्क्रीनेबल नहीं है। सो फर्स्ट एंड मोस्ट फॉरमोस्ट इज ब्रेस्ट कैंसर। वीमेन एज मोर देन 20 ईयर्स ऑफ एज शुड हैव ए क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए हेल्थ प्रोफेशनल एवरी 3 ईयर्स एंड शुड परफॉर्म अ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मंथली ऑन हर ओन एंड एवरी ईयर फॉर वीमेन अबाउट 40 ईयर्स ऑफ अबाउट एनुअल मेमोग्राफी टिल 70 ईयर्स ऑफ एज। आप ये देखिए कि अगर सिर्फ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होना शुरू हो जाए और एनुअल मेमोग्राफी होना शुरू हो जाए 70 साल तक, तो ऑलमोस्ट 40% जो है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से डेथ्स इंडिया में कम हो जाएंगी, अक्रॉस ग्लोब कम हो जाएंगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन परफॉर्म करना शुरू करना चाहिए। सेकेंड कैंसर इज योर सर्वाइकल कैंसर। ऑल वीमेन who are sexually active or who have reached age of 21 should have pap test or pelvic examination yearly with pap test once in year or 3 yearly with a liquid based test. और जिन females का 3 test normal आ जाते हैं 30 साल के बाद, वो हर साल ना करवा के हर 3 साल में 4 साल में एक बार करवाएं। अगर आप ये देखें ध्यान से, एक बहुत सस्ता सा टेस्ट है, ऑलमोस्ट 100-200 रुपए का टेस्ट भी नहीं है, सिर्फ इस टेस्ट से कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्मोइडोस्कोपी एंड फेकोलोकल्ट ब्लड वंस इन 5 इयर्स, कोलोनोस्कोपी एवरी 10 इयर्स और डबल कंट्रास्ट एनीमा once in 5 years. और ये अगर 5 टेस्ट में से एक टेस्ट भी होता है तो ये कोलोरेक्टल की स्क्रीनिंग इससे हो जाएगी। चौथा जो कैंसर है वो है प्रोस्टेट कैंसर। सो दोस मेन हु आर प्रोस्टेट जो फीमेल्स में नहीं होता, सो ओनली मेन हु आर मोर देन 50 इयर्स ऑफ एज शुड हैव ए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, एक टेस्ट होता है जो खून में होता है और वंस इन ए ईयर करवाना चाहिए 50 साल के बाद। तो ये 4 कैंसर, और पांचवा कैंसर जो है वो लंग कैंसर है जिसमें हम 3 साल में एक बार हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन कराने को कहते हैं उन लोगों में जिन्होंने 20 साल से ज्यादा स्मोक किया हो। इन 5 कैंसर्स के अलावा कोई भी कैंसर स्क्रीनेबल नहीं है। तो अगर हम इसे ही प्रमोट कर लें तो मेजॉरिटी ऑफ, आप देखेंगे कि जो कॉमनेस्ट कैंसर था वो प्रोस्टेट कैंसर था मेल में, और जो कॉमनेस्ट 2 कैंसर फीमेल्स में थे सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ये सारे ही स्क्रीनेबल हैं। सो स्क्रीनिंग इफेक्टिव होगी तो डेथ रेट फीमेल्स का या मेल का प्रोस्टेट कैंसर की वजह, सॉरी कैंसर की वजह से काफी कम हो जाएगा। ओके सो कमिंग टू द सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, इट इज वेरी इजी टू कैन बी डन। आइसोलेशन में आपको महीने में एक बार बाथरूम में 15 मिनट अपने आपको देने हैं, प्रॉपरली इसे समझना है कैसे करना है। और इसमें 3-4 चीजें हैं सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपने देखना है कि दोनों ब्रेस्ट जो हैं वो एक ही जैसी हैं, निप्पल ऊपर नीचे तो नहीं है, रिट्रैक्टेड तो नहीं, और फिर फ्लैट ऑफ हैंड से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन अंदर से बाहर आते हुए देखना है, क्योंकि लंब पैल्पेट तो नहीं होता। आप इसे खड़े होकर शीशी के सामने भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। कैंसर को हम लोग मैनेज कैसे करते हैं? सो सबसे इंपॉर्टेंट था डायग्नोसिस, उसके बाद स्टेजिंग, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के बाद अगर पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसके बाद उसे फॉलोअप करना है और रिहेबिलिटेट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट हो, उसकी सर्जरी के बाद उसकी ब्रेस्ट अगर रिमूव कर दी गई हो
तो नई ब्रेस्ट बनाई जा सकती है या उसे रिहैबिलिटेट किया जा सकता है विद एन आर्टिफिशियल ब्रेस्ट। सो डायग्नोसिस कैसे कैंसर का हो सकता है, तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये 7 वार्निंग साइंस हैं कैंसर के। चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट्स, अ सोर दैट डजंट हील, अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, थिकनिंग और लंप इन द ब्रेस्ट और एनी बॉडी पार्ट, इनडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, ऑब्वियस चेंज इन साइज ऑफ और कलर ऑफ ए वॉट और ए मोल, नैगिंग कफ और ब्रेथलेसनेस और होर्सनेस इन वॉइस। अमिताभ बच्चन जी ने एक एडवर्टीजमेंट में कहा था कि जो खांसी 6 हफ्ते ठीक ना हो वो टीबी होगी। तो मैं एक सजेशन और दूंगा कि अगर कोई खांसी जो 6 हफ्ते ठीक नहीं होती और खासकर स्मोकर में या जो कोई बंदा भट्टी के पास रहता है या इंडस्ट्री रहता है और अगर खांसी के साथ कहीं खून भी आ रहा है तो वो कैंसर भी हो सकता है। सो आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखिए। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो कैंसर बेसिकली एक मल्टी मोडेलिटी अप्रोच है। जैसे आपका स्कूल है, आपने बच्चे को अगर ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट करनी है तो एक साइंस टीचर या एक मैथमेटिक्स टीचर नहीं कर सकता, हर तरह का टीचर चाहिए उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट। इसी तरह कैंसर का जो मैनेजमेंट है दैट इज नॉट अ बेसिकली कप ऑफ टी फॉर अ सिंगल डॉग। सो 3 या 4 तरह के डॉक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसके ट्रीटमेंट में। जो सर्जन है उसे हम सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, वो सर्जरी करता है टू रिमूव द कैंसर। कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी देने के लिए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, जैसे मैं हूँ। और रेडिएशन थेरेपी, अगर कैंसर में कभी रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़े तो वो किरणों के साथ उसे, किरणें जिसे हम कहते हैं सिकाई कहते हैं जिसे, दैट इज नोन एज रेडिएशन थेरेपी। सो दैट इज बेसिकली मेंट टू किल द कैंसर सेल्स। कीमोथेरेपी का सिंपल शब्दों में क्या मतलब है, अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर यूजिंग स्पेसिफिक केमिकल एजेंट्स और ड्रग्स दैट आर सिलेक्टिवली डिस्ट्रक्टिव टू मैलिग्नेंट सेल्स एंड टिश्यूज। और आजकल आपने सुना होगा टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। तो सिमिलरली जैसे जहाजों ने ट्विन टावर्स पे अटैक किया था वेरी टारगेटली, इसी तरह कुछ अब ड्रग्स आज हम लोग डेवलप कर चुके हैं जो सिर्फ कैंसर सेल्स को टारगेट करती हैं और नॉर्मल सेल्स को स्प्रे कर देती हैं, उसे हम आजकल इम्यूनोथेरेपी या टारगेट सेल्स कहते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में ये ड्रग का नाम है पर्टिजुमैब, और ये एजेंट जो एक सेल का हमारा एक रिसेप्टर होता है उसे हम हर कहते हैं HER। तो अब ये देखिए ये दो ड्रग्स के साथ आगे इंटरेक्ट करती हैं, स्पेसिफिकली ये जो है HER2 न्यू जो रिसेप्टर है ये सिर्फ कैंसर सेल्स पे होता है, तो ये स्पेसिफिकली इन पे काम करती हैं। कैंसर लोगों को बहुत गलत धारणाएं हैं कि कैंसर सेल कैंसर की दवाई देने से, कीमोथेरेपी देने से दर्द बहुत होता है, पेशेंट बहुत परेशान होता है, ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए पेशेंट को दवाई लगवा भी रहा हो ठीक भी खुश भी है और उसका अटेंडेंट भी खुश है, और इसको देने की जो पद्धति है या जो तरीका है बहुत ही सिंपल है। जैसे हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, जैसे आईवी फ्लूइड देते हैं, वैसे हम इनको दवाई को हम डाल के फ्लूइड के साथ पेशेंट को दे देते हैं। कई बार ड्रग का डोज बहुत हाई होता है तो हम कुछ मॉडेलिटीज यूज करते हैं, कुछ लाइनें यूज करते हैं जिसे हम डिक्लाइन कहते हैं या हिकमन कैथेटर कहते हैं, जो डायरेक्टली ब्लड पे, ब्लड लेवल पे, हार्ट के लेवल पे जाके इसे ब्लड को और ड्रग को सप्लाई करती है। साइड इफेक्ट्स, मल्टीपल साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स के साथ होते हैं बट मेजोरिटी जो है जैसे मुंह में छाले आना, उल्टी, डायरिया, तो ये कॉमन है सबके लिए। बट ये चीज समझने की कोशिश करिए कि ये टेम्पररी है, एज एंड व्हेन ड्रग विल बी विथड्रॉन दे विल गो ऑफ। ये देखिए कि ये हमने पेशेंट को कोई दवाई दी है, उनके मुंह में छाले आ चुके हैं, सो दिस इज नोन एज म्यूकोसाइटिस। ये आप ध्यान से देखिए, ये नेल पेंट नहीं, ये कोई डिजाइन नहीं है, ये बेसिकली ड्रग जो है उससे चमड़ी काली हो जाती है या नेल्स में डिपॉजिट हो जाती है, सो दिस ड्रग इज गेटिंग डिपॉजिटेड विद ईच साइकिल। सो अगर इस पेशेंट को अगर मैं गिनूं तो कम से कम ये 1, 2, 3 तो उससे 3 बार तो दवाई लगी होगी। बाल चले जाना जिसे हम एलोपेसिया कहते हैं, तो ये बेसिकली कॉमन कैंसर्स के लिए था कि जो सबके लिए कॉमन था। अब मैं 2 मेल कैंसर्स को डिस्कस करूंगा जो इंडिया में कॉमनेस्ट है और 2 फीमेल कैंसर्स जो इंडिया में डिस्कस कॉमन है। सो मेल जो कॉमनेस्ट कैंसर है लंग कैंसर और हेड एंड कैंसर। तो लंग कैंसर 90% लंग कैंसर है स्मोक रिलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है स्मोकिंग। स्मोकिंग से ऑलमोस्ट 90% जो कैंसर्स होते हैं, और ये भी आप देखिए अपने इन एंड अराउंड अपने फैमिली मेंबर्स में या अपने रिलेटिव्स में, जो लोग स्मोकर थे उन्होंने स्मोकिंग का 40 साल के बाद स्टार्ट नहीं किया। जितने भी लोग हैं स्मोकिंग को टीनेज में स्टार्ट करते हैं, और सबसे दुख की बात यह है सक्सेसफुल सीजेशन ऑफ स्मोकिंग। नशावृत्ति और स्मोकिंग को छुड़वाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है,
सिर्फ सक्सेसफुल 6-7% लोग ही सक्सेसफुली छोड़ पाते हैं। तो बेटर वुड बी हम इन्हें लोगों को कैच अप ना करने दें। अगर कोई स्मोक नहीं कर रहा, ये कहे बीड़ी, तो चाहे आप बीड़ी स्मोक करें सिगरेट स्मोक करें, दोनों का एट्रिब्यूटेबल जो है रिस्क बराबर है। स्मोकलेस टबैको, गुटका, सुपारी, पान, ये सब के सब भी एट्रिब्यूटेबल हैं हेड एंड नेक कैंसर को और लंग कैंसर को। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ये देखो, ये हमारी सिटी है, वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन इंडिया। अमृतसर का रैंक 13th है और पंजाब की सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है अमृतसर। सिमिलरली जिन लेडीज के स्पाउसेस स्मोक करते हैं उनमें लंग कैंसर की संभावना या बाकी कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। सिमिलरली हम लोग जो गांव में रहते हैं उनसे हमारी जो स्थिति दयनीय है और हमारा जो रिस्क है लंग कैंसर का वो ज्यादा है बिकॉज ऑफ द एम्बिएंट स्मोक। सो दिस इज नोन एज पैसिव स्मोकिंग। 10% जो लंग कैंसर है वो सिर्फ इस वजह से है, इवन इफ दे डोंट स्मोक, या तो उनके स्पाउस स्मोक करते हैं या वो गंदे एनवायरमेंट में रहते हैं जो डस्टी एनवायरमेंट है या स्मोक रिलेटेड है पॉल्यूटेड एनवायरमेंट में। और भी कारण है बट ये दो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो हमें याद रखने हैं, टबैको एंड अल्कोहल। और मैंने ये देखा है गुरु नगरी में कि मेजॉरिटी सिखिज्म में स्मोक प्रोहिबिटेड है, लेकिन इसका फायदा नहीं उठाया लोगों ने। उन्होंने स्मोक तो कम कर दिया लेकिन शराब ऐसे पी जैसे एक ही बार पीनी है। सो दोनों का सिनर्जिज्म है, दैट मीन्स अगर कोई टबैको यूज करता है और अल्कोहल भी लेता है तो दोनों 1+1 2 नहीं होगा, 11 होगा। सो एक्सेसिव अल्कोहल इज ऑल्सो एट्रिब्यूटेबल टू हेड एंड नेक कैंसर एंड इसोफेजियल कैंसर एंड अदर कैंसर ऑल्सो। कई लोगों ने शिकायत की है कि हमने तो कभी गुटखा भी नहीं लिया, कभी हमने तम्बाकू नहीं लिया, कभी स्मोक नहीं किया, फिर भी हमारे कैंसर हो गया। तो कई लोगों के टूथ जो शार्प एज वाले टूथ हैं वो एक जख्म करते रहते हैं मुंह के अंदर एंड लिटरली ओवर इयर्स इट डेवलप इनटू अ हेड एंड नेक कैंसर और ओरल माउथ कैंसर। तो उन केसेस में ध्यान रखिए, अगर आपका कोई टूथ है या आपका कोई दांत ऐसा है जो बार बार ब्लीडिंग करता है, बार बार जख्म कर देता है, उसे निकलवा दीजिए या उसको डेंटिस्ट के पास जाकर ठीक करवाइए, क्योंकि वो देर सवेर कैंसर डेवलप करेगा मुंह का। ये देखिए लेटरल बॉर्डर पे ये कुछ कैंसर हैं मुंह के, ये हार्ट पैलेट का कैंसर है, ये देखिए यहाँ पे कैंसर है, ये निग्लेक्टेड कैंसर हैं हमारे पेशेंट्स के, जो चीक का कैंसर है जो बाहर आ चुका है, यू कैन सी सम अदर। ये मैं पिछले सुसले दिखा रहा हूँ डराने के लिए नहीं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अर्ली लेवल पे ये लोग आ जाते तो ये क्योरेबल था या ट्रीटेबल था, बट हालत अब ऐसी है कि अब इनकी जान बचाना मुश्किल हो रही है। ये देखिए ये पूरा का पूरा जबड़ा हड्डी के समेत कैंसर खा गया। सिमिलरली ये फीमेल का आप देखिए, कैंसर अंदर से बाहर आ गया हुआ है। और ये हमारा जो है वॉइस बॉक्स है, ये एक जो आप व्हाइट कलर का देख पा रहे हैं ये हमारी वोकल कॉर्ड है। तो ये कोई पेशेंट है जिसकी राइट वोकल कॉर्ड में आप देखिए कैंसर डेवलप हुआ है, तो इसे हम कैंसर लैरिंग्स का कहते हैं। ये भी सो कमिंग टू द फीमेल कैंसर्स, कॉमनेस्ट कैंसर इज ब्रेस्ट कैंसर। जो फीमेल ब्रेस्ट होती है उसके दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, वन इज मिल्क मेकिंग जिन्हें हम लॉब्यूल्स कहते हैं, और ये दूध जो बनता है उनको कैरी करने के लिए डक्ट्स होती हैं, पाइपें जिन्हें हम डक्ट्स कहते हैं, जो निप्पल तक लेकर आती हैं और बच्चा जो है माँ का दूध पी सकता है। तो ये सब जो 80% कैंसर हैं वो इनमें होते हैं डक्ट्स में, जिन्हें हम इन्फिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा कहते हैं, और 20% के करीब ये इन लोब्स के होते हैं। मेजॉरिटी केसेस में जो अंडर आर्म में लिम्फोड्स होते हैं उनमें कैंसर चला जाता है, लेकिन कई केसेस में ऑलमोस्ट 25% केसेस में उन्हें बाईपास करता हुआ बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है, जिसे हम स्टेज 4 कैंसर कहते हैं। ये आप देखिए, ये कैंसर है जिसने ऊपर वाले निप्पल को इरोड कर दिया है और स्किन को इन्वॉल्व कर दिया है। सिमिलरली इसमें हमें ब्रेस्ट में तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन इनके आर्मपिट में ये लिम्फ नोड जो है कैंसर के शेप में है। कई बार आपने सुना होगा कि लंप तो कोई था नहीं, ये पूरी ब्रेस्ट जो है लाल सूजी हुई है, जैसे किसी मदर में स्पेशली लैक्टेटिंग फीमेल में दूध जो है आना बंद हो जाए तो सोजिश हो जाती है। तो ये जरूरी नहीं कि वो उसकी सोजिश हो, इन ए नॉन लैक्टेटिंग फीमेल इफ समबडी फाइंड्स अ ब्रेस्ट विच इज टोटली स्वोलन हार्ड विदाउट एनी एप्रिशिएबल लंप, इट कैन बी अ ब्रेस्ट कैंसर। मैमोग्राफी मैंने आपको पहले भी बताया था
सो मैमोग्राफी का मतलब होता है ब्रेस्ट का एक्सरे। तो ये आप देखिए फीमेल की ब्रेस्ट जो है ये एक्सरे मशीन में रखी गई है और ये इसकी फोटोग्राफ आई है। तो इसमें ये एक लंप नजर आ रहा है जिसे हम ब्रेस्ट कैंसर का अगर पेशेंट हो तो मैमोग्राफी में देख सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट कैंसर विच इज नोन एज सर्वाइकल कैंसर। सर्विक्स का मतलब बच्चेदानी का मुंह। हमने सर्वाइकल वर्ड सुना है, हमें मुझे सर्वाइकल की दर्द हो रही है, सो वो गर्दन की दर्द होती है। सर्विक्स का जो दूसरा जो हमारा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो दूसरा नाम है वो है इट्स ए माउथ ऑफ योर वूम और दिस इज द माउथ ऑफ योर एंडोमेट्रियल कैविटी। सो ऑलमोस्ट 1.3 लाख फीमेल इन इंडिया डायग्नोज टू हैव अ सर्वाइकल कैंसर एंड विच इज ऑल अकाउंटिंग फॉर मोर देन 25% ऑफ द वर्ल्ड्स बर्डन। इट्स अनफॉर्चुनेट दैट ऑलमोस्ट वी आर लूजिंग 8 females every year because of this cancer and approximately we lose 75,000 females in a year due to cervical cancer and unfortunately again the lifetime risk of rest of cancers in India is 1.3% but it's double in India for cervical cancer, it is about 2.5%। aur agar hum USA ki baat kare to USA mein mandatory hai pap hona, India mein to koi parwah nahi karta, na government parwah kar rahi hai na hum log jo hain wo कॉन्शियस हैं और ना ही जागरूक हैं इस बारे में। बट यूएसए में जो है ये मैंडेटरी है। ऑलमोस्ट 55 मिलियन फीमेल्स का स्क्रीनिंग हर साल होता है जिसमें से आप ध्यान से देखिए 12,200 फीमेल्स का कैंसर डिटेक्ट होता है और ये अर्ली स्टेज का कैंसर होता है। मेजॉरिटी ऑफ कैंसर आर क्योर्ड इन यूएसए बिकॉज ऑफ सर्विक्स। और आपने वो लिस्ट देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूएस के पहले 10 कैंसर में भी सर्वाइकल कैंसर का नाम नहीं आता और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इट इज द लार्जेस्ट किलर। अगेन सर्वाइकल कैंसर होता कैसे है? सर्वाइकल कैंसर जीन्स की वजह से नहीं होता, इट इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बिकॉज ऑफ वन वायरस विच इज नोन एज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। जस्ट लाइक एड्स, जैसे एचआईवी होता है वैसे ही सर्वाइकल कैंसर होता है। सो सर्वाइकल कैंसर इज नोन एज एड्स डिफाइनिंग इलनेस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी फीमेल में सर्वाइकल कैंसर डायग्नोज होता है तो हम उसका मैंडेटरी एचआईवी टेस्ट जरूर करवाते हैं और वैसे वर्सा अगर किसी फीमेल में एचआईवी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम उसका पैप्समेयर जरूर कराते हैं जानने के लिए कि उसे सर्वाइकल कैंसर तो नहीं। फॉर्चुनेटली अगर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये वायरस की वजह से है तो इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है। सो इंडिया में 2 वैक्सीन जिनका नाम गर्डासिल है और सर्वेरिक्स है, दे आर लाइसेंस्ड एंड दे आर प्रोवाइडिंग ऑलमोस्ट 98% प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्वाइकल प्री कैंसर लीजन्स और ऑलमोस्ट 99% ये इफेक्टिव है वायरल वॉर्ड्स के लिए। और जो इंडिया में इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने जो रिकमेंड किया है आइडियल एज वो है 10 से 12 साल की एज। वो लड़कियां, वो बच्चियां जिनमें अभी जो है मेंसेस शुरू नहीं हुए दे आर द आइडियल कैंडिडेट्स बट इट कैन बी अप्लाइड टिल 26 इयर्स ऑफ एज। यूएसए में तो 40 साल के बाद भी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन हो रही है बट जो आइडियल एज है 10 से 14 साल है और जो रेंज एक्सटेंडेड है वो 9 साल से 26 साल है। और ये मंथ जो है अक्टूबर मंथ जो है दिस इज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ और जो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है जिसका थीम हमने रखा है आई एम एंड आई विल। पहले हमारा जो लोगो था कैंसर का वो होता था कैंसर इज क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली बट नाउ वी हैव चेंज्ड इट टू नो टोबैको मींस नो लंग कैंसर, नो हेड एंड नेक कैंसर, गुड जेनिटल हाइजीन, नो सर्वाइकल कैंसर एंड टू प्रिवेंट ओबेसिटी, नो ब्रेस्ट कैंसर एंड अदर कैंसर्स व्हिच आर एट्रिब्यूटेबल टू obesity, like endometrial carcinoma, ovarian cancer, and your stomach cancer. I just wanted to highlight that bone marrow transplant facilities are very much available in our city, and by the grace of Guruji or by the grace of God, we happily did first bone marrow transplant almost a year back at our institute, and this female, she was suffering from a blood cancer which is now cured and she is now coming to our follow up and she is hale and hearty. I would say every time never give up, so keep on fighting, stay happy, stay healthy and stay away from cancer. Thank you.